गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट के अंदर आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एज ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी यहाँ पे हरी एंड हैरी की जो एज का जो रेशियो दिया गया है 5:7 दिया गया है, और 4 years यानी 4 साल बाद में इनका जो रेशियो है वो 3:4 के इक्वल में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करना आपको द एज ऑफ हैरी, हैरी की कितनी हम लेंगे अब यहाँ पे दे रखा है 5, तो 5x हो जाएगी एंड हैरी इसकी जाएगी 7x। तो जो रेशियो में राइट किया गया 5x यानी आफ्टर 4 years यहाँ पे राइट करना आपको आफ्टर 4 years ये जाएगा 5x+4 एंड इसको हो जाएगा 7x+4। तो रेशियो के अकॉर्डिंग इसको फाइंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, तो ये दे रखा आपको 5x+4 रेशियो 7x+4 इक्वल टू रहेगा 3:4। ये तो दे रखा है, इसको हम डिवाइड में राइट कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से राइट किया जाता है 5x+4 अपॉन में 7x+4। सेम इसी प्रकार से 3 अपॉन में 4 इसको राइट करेंगे। अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके राइट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे 4 राइट करके राइट करना है, तो 5 को करेंगे 4 5 20x+4 4 16 इक्वल टू ये इससे करेंगे 7 3 21x+3 4 12 21 इधर लेके आएंगे 20x-21x इक्वल टू 12 16+ का इक्वल के बाद में जाएगा -16। तो यहाँ पे बचेगा डिफरेंस दोनों का है एक्स माइनस का इक्वल टू, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4, इसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट हो गया तो आपके पास बचेगा एक्स इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको पता ना कि इसकी एज कितनी देर की है और इसकी एज कितनी है, दोनों की एज फाइंड कर सकते हो आप, जो रेशियो दे रखा है रेशियो के अकॉर्डिंग आप इसकी एज फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा था सबसे पहले हमने क्या माना था 5x और 7x, तो 5x यानी 5 × 4 = 20 और एक था 7x 7 × 4 = 28, यानी ये तो किसकी है हरी की और ये आपकी हैरी की, दोनों की एज ये हो जाएगी 20 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी जो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशियल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर से कितना अधिक है 8 दे रखा है। तो दोनों की वैल्यू अपन अगर माने, जैसे यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर एक्स एंड न्यूमरेटर एक्स दिए गए आपको बाय 8 अधिक दिए दे रखा आपको डिनोमिनेटर को, तो इसमें आपको करना है +8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राइट करेंगे इसको, तो न्यूमिनेटर कहाँ रहता आपका ऊपर की तरफ एक्स और डिनोमिनेटर कहाँ रहता आपका नीचे की तरफ एक्स +8। अब क्या बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 17, जो ऊपर जो नंबर दिया गया इसमें तो इंक्रीज किया गया कितने नंबर का 17 का, एंड जो नीचे जो नंबर उसमें क्या किया गया डिक्रीज किया गया है 1, और जो आंसर हो वो क्या था आपके पास 3/2। ये नंबर्स हो गए डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों को, यानी एक्स प्लस 17 ये डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा 2 से इक्वल टू 3, इधर हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8 - 1, तो 3 को एक्स से करेंगे तो जाएगा आपका 3x, 17 को करना सॉरी 2 से करना है तो 2x, 17 को करेंगे 34, इधर 3 को एक्स से करेंगे तो जाएगा 3x, प्लस 8 को 3 से करेंगे तो
माइनस थ्री को वन से करेंगे तो थ्री, थ्री एक्स इधर लेके आएंगे, टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 24, जिसके अंदर आपको क्या करना माइनस थ्री करना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 21 प्लस का 34 है, इधर इक्वल में बाद में हो जाएगा माइनस में, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 21 और 34 देगा, तो 34 में से 21 लेस करेंगे तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों का 13 का, 13 किसका है माइनस का, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 17 था और एक क्या था आपका वैल्यू x, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया था x प्लस 17 और x प्लस 8, जिसमें आपको ओनली क्या करना है, ये तो 17 तो बाद में इंक्रीज किया गया, तो x प्लस x एंड अपॉन में x प्लस 17 था, तो यहाँ पर ऐड करना है 13 और यहाँ ऐड करना है 13 प्लस 8, यानी 13 और 8 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, 13 अपॉन में 21 इसका आंसर होगा।